अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अमानी व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर में बना रही हूँ खट्टा शेरवा। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह कट कर दी, ये है कटलेट्स। तो पानीपुरी वाले आए थे तो मैं कटलेट्स ले ली थी, तो वो खाते खाते ही मैं अपना डिनर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं स्विगी से कुछ मंगाई थी अरहान के लिए स्नैक्स। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या ली थी। तो फ्रेंड्स, मेरा डिनर वगैरह हो गया है और मैं कुछ चीज़ें मंगाई थी स्विगी से, तो वो अरहान के लिए मंगाई थी। तो मैं आपको वही बताती हूँ अभी क्या क्या मंगाई थी। स्नैक्स मंगाई थी, डार्क फैंटेसी और कुछ वेफर्स, क्योंकि अरहान को बहुत पसंद है। वो आज मॉर्निंग से बोल रहे हैं कुछ ये होना वो होना, तो कोई है नहीं मंगाने के लिए। कभी बच्चे होते हैं, कभी कोई नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं एक साथ मंगा ली हूँ सब। ये मैं अपने लिए मंगाई हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं ये बहुत खाती हूँ, मेरे को ये बहुत पसंद है। इसका नाम है कैडबरी चॉकलेट। और क्या है, और कैडबरी चॉकलेट है एंड और दो तीन चीज़ें थे जो अरहान ऑलरेडी खा लिए हैं। तो यही स्नैक्स है अरहान के। अरहान हैप्पी अच्छा है, अच्छा है। ये क्या है? ये है वेफर। वेफर की ये स्ट्रॉबेरी है, ये बिस्किट है, चॉकलेट है। ये वाओ, खाओ खा लो। तो मैं खाऊंगी ये बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, मैं आपको खोल कर बताती हूँ। तो ये देखिए, मस्त केक, बट बहुत टेस्टी था, मेरे को तो बहुत पसंद है। यम्मी। अच्छा है बिस्कुट, अच्छा है, टेस्टी है। ओके ये देखिए फ्रेंड्स, अरहान की मस्ती फिर से चालू हो गई है। मेरी रिंग लाइट टूट गई थी तो मैं आज ही उसको थोड़ा सा जुगाड़ करके उसको सेट करी थी, तो वो अपना माइक बनाकर यहाँ पर खेल रहे हैं उसके साथ। तो यहाँ पर मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, मैं बर्तन वगैरह धो दी और अपना किचन भी पूरा क्लीन कर ली। और अब मैं देखूँगी, क्योंकि मगरिब का टाइम ही होने वाला है तो मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी मगरिब की। और ये देखिए मगरिब का व्यू है, ये मैं असर की नमाज़ पढ़ के आ गई थी बाहर और थोड़ी देर ऊपर ठहरी और अब अजाएँ हो रही थी, तो मैं नीचे जा रही हूँ और पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़ और फिर उसके बाद मिलूँगी फ्रेंड्स आपसे। फ्रेंड्स, बचपन की यादें, पेप्सी कौन कौन खाए बचपन में ये बहुत ज़रूर बताना कमेंट करके। फ्रेंड्स, मैं और मेरे सिस्टर निकले थे बाहर क्योंकि मेरे को लेना था ड्रेसेस
डेली वेयर के ड्रेसेस लेना था मेरे को, तो इसीलिए हम लोग आए हैं बाहर और देखते हैं अभी क्या मिलेंगे क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको कौन से वाले ड्रेसेस लूँगी वो भी बताऊँगी। यहाँ पर हम लोग 2-3 शॉप्स में जाकर आ गए हैं बाहर, लेकिन अभी कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को। तो यहाँ पर और एक शॉप पे आए थे बाहर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस थे तो ये तो हम डेली वेयर में नहीं पहन सकते। प्राइस रीज़नेबल ही था इसका, लेकिन मेरे को डेली वेयर के लिए चाहिए तो मैं इतना हैवी तो नहीं लूँगी। ये येलो वाला भी बहुत प्यारा था ड्रेस, लाइक हम मंजे शादियों में जैसा मंजे होते हैं तो हम उसके अंदर पहन सकते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा था, मेरे सिस्टर को बहुत पसंद आया और ये ग्रीन वाला भी बहुत पसंद आया था। फ्रेंड्स वो शॉप में तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस थे तो वहाँ से तो नहीं लिए, और फिर हम लोग उसके बाजू में ही और एक शॉप थी तो वहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हम ड्रेसेस देख रहे हैं दूसरे और देखते हैं कौन से पसंद आते हैं। तो मैं यही शॉप से ले ली थी, 3 ड्रेसेस मैं ली हूँ, और मैं कौन से वाले ली मैं आपको घर जाके बताऊँगी कि कौन से वाले ड्रेसेस ली हूँ। तो चलिए चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और रास्ते में हम लोग रुक के खा लिए इडली डोसा क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रही थी, तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो रुक जाते हैं यहाँ पर और इडली डोसा कुछ खाकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एक। मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पर, और मैं जो ड्रेसेस ली थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।